राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छोटे बेटे हरीश नड्डा की शादी हो गई। अब जेपी नड्डा की दोनों बहू राजस्थान की हैं। आपको बता दें, जेपी नड्डा के बड़े बेटे ने भी राजस्थानी लड़की से ही शादी की। जयपुर के राजमहल पैलेस होटल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छोटे बेटे हरीश नड्डा का विवाह समारोह बुधवार देर शाम हुआ। इस दौरान होटल कारोबारी रमाकांत शर्मा की ओर से नड्डा परिवार और उनके मित्रों का बारात के रूप में स्वागत किया गया। समारोह में भाग लेने के लिए बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समारोह में शामिल हुई। राजे ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया, जयपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होकर नव दंपति को मंगल वेला की शुभकामनाएं दी। साथ ही नड्डा परिवार और समारोह में पधारे पार्टी के अन्य नेताओं से भी शिष्टाचार मुलाकात हुई। समारोह में बीजेपी नेताओं में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ओम प्रकाश माथुर, राजेंद्र राठौड़ और घनश्याम तिवारी जैसे नाम शामिल हैं। वहीं देर शाम बाद भी कई मेहमानों की शादी के समारोह में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। राजमहल पैलेस में जेपी नड्डा के छोटे बेटे हरीश नड्डा की शादी से जुड़ी रस्में हुई और इस दौरान सोशल मीडिया पर हरीश की हल्दी की रस्म की तस्वीरें भी सामने आई। वहीं होटल की लॉबी में शादी की तैयारियों में मशगूल मेहमानों की फोटो भी देखी गई। आपको बता दें, मंगलवार की शाम को हुए कार्यक्रम के दौरान शादी से पहले हरीश नड्डा और रिद्धि शर्मा के साथ भी नजर आए। पर्पल कलर के वेलवेट कोट में हरीश दिखे तो वहीं गुलाबी रंग के लिबास में रिद्धि नजर आई। इसके अलावा भी रिद्धि और हरीश की एक तस्वीर देखी जिसमें दोनों मेहमानों के बीच नजर आ रहे हैं। शादी के बाद देर रात तक डिनर पार्टी का आयोजन हुआ और इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 28 जनवरी को जेपी नड्डा एक ग्रैंड रिसेप्शन के जरिए बड़ी तादाद में लोगों को दावत देंगे। वहीं इसके पहले दिल्ली में भी एक कार्यक्रम कुछ खास मेहमानों के लिए रखा जा सकता है। विवाह समारोह के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। समारोह स्थल पर भारी तादाद में पुलिस जाब्ता तैनात की गई। सीएम गहलोत ने भी जयपुर पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव के सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए थे।